हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट है ऑल न्यू हीरो स्प्लेंडर प्लस का बिल्कुल ही न्यू 2022 मॉडल, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आपको हम दिखाने वाले हैं कलर कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे अभी आपको मिल रहा है। अगर आप स्प्लेंडर लेने के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पे इजिली जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी कलर को परचेस करना है। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स रेड कलर के ग्राफिक्स में हमारे साथ प्रेजेंट है। और सबसे पहले मैं आपको ऑन रोड जो प्राइजेस है वो बता देता हूँ, क्योंकि प्राइजिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप बाइक लेने के लिए जा रहे हैं। तो इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो है फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग हमारे एरिया में 82,630 रुपीज़ के अप्रॉक्स में, जो कि गिरिडीह एरिया का मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। और ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं तुलिका हीरो पचम्बा गिरिडीह में, तो गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं, तो शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बाइक जो है वो आ गई है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अभी आपको जो है बेसिकली आपको हम ये मॉडल का तीन कलर ऑप्शन यहाँ पे दिखाने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहला कलर ऑप्शन है रेड में, और इसमें ब्लैक कलर में जो है वो आपको बॉडी मिलता है, रेड में ग्राफिक्स मिलता है, हीरो का लोगो यहाँ पे आपको मतलब ग्राफिक्स में ही मिल रहा है, स्प्लेंडर प्लस का लोगो 3D में मिल रहा है। और राइट हैंड साइड से बाइक देखने में कुछ ऐसी लग रही है, यहाँ पे एग्जॉस्ट मफलर वगैरह आपको लगा के मिलेगा, लेग गार्ड वगैरह लगा हुआ है। और फ्रेंड्स अब साइड स्टैंड सेंसर के साथ बाइक आ रही है, जो कि अभी 2022 मॉडल में अगर आप स्प्लेंडर का किसी भी वेरिएंट को परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पे साइड स्टैंड जो सेंसर है वो देखने को मिल जाएगा, जिससे कि सेफ्टी जो है वो पहले से अभी यहाँ पे इम्प्रूव हो गया है। और ये काफ़ी ज़रूरी भी था, क्योंकि काफ़ी टाइम पर क्या होता था कि स्टैंड लगा हुआ रह जाता था नीचे, और काफ़ी सारे मतलब भाई लोग जो है वो स्टार्ट करके बाइक लेके निकल जाते थे, जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह का थोड़ा चांसेस बढ़ जाता था। तो अब अगर आपका स्टैंड डाउन रहेगा, बाइक गियर में रहेगी, तो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो फ्रंट का आप ग्राफिक्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो सेफ्टी फ़ीचर है वो आपको इस बार के मॉडल में देखने को मिलेगा, बस इससे पहले वो फ़ीचर कंपनी नहीं प्रोवाइड करती थी, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको दिखेगा वायर जो है ऊपर से, तो यही आपका सेंसर जो है वो लग गया है इस बार, जिससे कि यहाँ पे फ्रेंड्स प्राइसिंग जो है वो थोड़ा सा तो इंक्रीज़ हुआ है, मतलब लगभग मैं आप मान के चल सकते हैं कि 200-400 या 500 रुपये के लगभग में बढ़ा होगा, बाकी सेफ्टी जो है वो बढ़ गया है। बाकी यहाँ पे आपको स्प्लेंडर प्लस का बैज इसमें मिलता है, ये ब्लू कलर में हमारे पास प्रेजेंट है, और इसमें भी फ्रेंड्स ग्रे ब्लू और ब्लैक का तीन कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, तो ये भी कलर देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और थर्ड जो कलर ऑप्शन है वो ब्लैक में ग्रे है, तो इसमें ग्रे कलर के ग्राफिक्स का ही यूज़ किया गया है। और ये आप देख रहे हैं इस साइड से, और कुछ ऐसा लुक्स में बाइक आता है। बाकी सभी में यहाँ पे आपको पीछे में जो है लगेज वगैरह बांधने का स्पेस यहाँ मिल जाता है, बंजी कोड वगैरह मिल जाता है, और आप इसमें इजीली जो है यहाँ पे मतलब अपना लगेज वगैरह बांध सकते हैं, थोड़ा आप कमर्शियल पर्पज़ से भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। बाकी चार्जिंग का ऑप्शन इस बार सभी मॉडल्स में दे दिया गया है, आप फ़ोन को यहाँ पर जो है ईज़िली चार्ज कर पाएंगे। तो बाकी फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस एक यहाँ पे आपको ओवरव्यू देना था न्यू 2022 मॉडल का। मैं होप करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गई हो। बाकी अगर आपको और कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।